तो दोस्तों फाइनली ये जो गाड़ी आप मेरे सामने देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों की एक जो है पसंद बन चुकी है, और कहीं ना कहीं लोग जो है कम कीमत में एक अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस चाहते हैं, और वो परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो उसके लेवल के अकॉर्डिंग ये कार बेस्ट आ जाती है, क्योंकि अंडर बजट सेगमेंट के अंदर आती है, और कहीं ना कहीं ये गाड़ी ऐसी है कि जो मिड रेंज के साथ जो है कई लोग जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, इसका बजट सेगमेंट काफ़ी बढ़िया है। तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, मैं बात करने वाला हूँ इसी कार के बारे में। और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाया गया, उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो जब भी कोई भी जो बिगिनर होते हैं या फिर कोई भी नए जो यहाँ पे कस्टमर होते हैं वो सबसे पहले गाड़ी को लेने की सोचते हैं, तो उनके मन में एक छोटी गाड़ी आती है सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि उस समय उनको हो सकता है कि गाड़ी भी ना ड्राइव करनी आती हो, तो उनको ऐसे चाहिए होता है कि हाँ हमको एक छोटी सी मिड रेंज की गाड़ी चाहिए होती है और उसमें कई सारे फीचर्स इन्वॉल्व हों, ठीक है, जो कि इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। बजट सेगमेंट के अंदर आती है सबसे पहली बात, ठीक है, बजट सेगमेंट के अंदर ये गाड़ी आती है और इसमें कई सारे फीचर्स भी इन्वॉल्व है जो है दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा अपॉर्चुनिटी जो है बन जाती है लोगों के लिए जब भी वो गाड़ी को बाय करने की सोचते हैं, तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं भाई कई सारी चीज़ें मिलती हैं, कई सारे फीचर्स के साथ ये गाड़ी देखने को मिलती है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको पता है कि जो ये गाड़ी है कई लोगों की ज़रूरत को जो है पूरा करती है। मिड रेंज की कार है, 5 लोग आराम से इजीली बैठ सकते हैं, सीट कंफर्ट भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेटर एक्सपीरियंस जो है प्रोवाइड करवाता है, सूटेबल है, ठीक है, और आप ड्राइव करते हैं थोड़ा लंबा भी अगर आप जाते हैं, अगर जाने की सोचते हैं तो उसके लिए भी आपको सूटेबिलिटी जो है ये प्रोवाइड करवा देती है, ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये गाड़ी आपको कभी जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि डिसअपॉइंट नहीं करेगी, आपको ऑल ओवर हर मोमेंटम में काफ़ी अच्छा एक यहाँ पे रिस्पॉन्स करने वाली है, ठीक है। और फिलहाल पीछे की साइड में आप देख सकते हैं 3 लोगों की कैपेसिटी सीट की, ठीक है, और आगे तो भैया ड्राइवर एंड यहाँ पे को पैसेंजर जो है 2 लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, और कहीं ना कहीं भाई टच पैनल भी इसी में इनबिल्ड है, ठीक है, रिवर्स पार्किंग सेंसर इनबिल्ड है और रिवर्स पार्किंग सेंसर भी इनबिल्ड है, कैमरा भी आप देख सकते हैं आराम से, तो मतलब ऐसी कई सारी चीज़ें जो इस गाड़ी में आप पूरा कर सकते हैं और वो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है प्रोवाइड करवाएगी, और लोगों को एक अच्छे सेगमेंट के अंदर ये गाड़ी आ जाती है तो लोग जरूर सोचते हैं कि भाई हाँ छोटी गाड़ी में हमको ये वाली गाड़ी ज़रूर से बाई करनी चाहिए, और डेफिनेटली वो चीज़ होता है जब आप गाड़ी लेने की सोचते हैं, छोटी गाड़ी में आपको कई सारे फीचर्स जब मिलते हैं तो भाई काफ़ी अच्छी बात होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो कि मैंने आपको डिस्कस किया यहाँ पे गाड़ी को लेकर, तो होपफुली आपको वीडियो जरूर से पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।